नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी यहाँ पे है और बहुत बड़ी अपडेट है। शानदार खुशखबरी किस लिए है दोस्तों, वो बातें मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके लिए भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया है, वो भी मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जितने भी यानी कि हमारे देश में जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो है एक नई जानकारी है आप सबके लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए वहाँ पे। उसके बाद में वो वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। अभी अभी गवर्नमेंट ने यानी कि नरेंद्र मोदी ने खुद और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जो है जो बात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए कही है साथियों, वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। ऊपर ऑफिसर के साथ अभी कनेक्ट है, सरकार जो सोचती है उसका इंप्लीमेंटेशन का केंद्र बिंदु सचमुच मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। आपको आशा के साथ भी काम करना है, आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हमारे डॉक्टर के साथ भी काम करना है। आप एक ऐसी कड़ी है जिस कड़ी के आधार पर आदरणीय मोदी जी का स्वप्न हम सिद्ध करना चाहते हैं, और इसीलिए ही हमने तय किया कि हम हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ डायलॉग करें। वो क्या काम करते हैं, उसकी क्या अपेक्षा है, और वो काम करने में उसको क्या क्या दिक्कतें हो रही है, उसका अंदाजा लगा के हम सारे देश में उसका सॉल्यूशन निकाल के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हमारी ये हेल्थ आर्मी को मदद करे। इस दृष्टि और इस हेतु से ये दो दिन का, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से जुड़ेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसमें जो है स्वास्थ्य मंत्री ने मनसुख मंडाविया जी ने जो दो दिवसीय कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था, ये दोस्तों आप सबको पता होगा ये कहाँ पे किया गया था। इसमें जो आपको बताना चाहेंगे, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बनारस में हुई थी, इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स से ही रिगार्डिंग बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई थी और उनको एक नई दिशा में ले जाने की भी बात की गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस में बताया था ये मैंने आपको अभी बताया। दूसरी बात, यहाँ पे जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचेंगी। तो दोस्तों, कैसे पहुँचेंगी, ये मेडिकल कॉलेज से जुड़ेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। देखिए क्या बात की गई है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनका डायरेक्ट संबंध कहाँ से होगा, मेडिकल कॉलेजों से होगा। और ये जो योजना है दोस्तों, योजना ही क्या है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में जितने भी वर्ड कहे गए हैं दोस्तों वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के द्वारा जितनी भी योगदान मिल रहे हैं इंडिया में, और आप सबको पता है यहाँ पे जो है 1,00,000+ जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे भारत में बन चुके हैं और ये आंकड़ा 1,50,000 के आसपास भी होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को आप ऐसे ही ना लें, इनके लिए बहुत जो है स्पेशल प्रोग्राम किया गया था, इसमें सारी बातें बताई गई थी और इनको एक नई दिशा में ले जाने की जो है भारत सरकार की कोशिश है, ठीक है। अगर वो कोशिश पूरी हो जाती दोस्तों, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जैसी जॉब जो मेडिकल फील्ड में चल रही है उसके मुकाबले मुझे कोई दूसरी जॉब नहीं लगती है, ठीक है। क्योंकि ये डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के साथ में जो भी मिनी डॉक्टर इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर काम करते हैं ना तो वहाँ किसी कोई डॉक्टर पहुँच पाता है ना कोई बड़ा हेल्थ जो है वर्कर पहुँच पाता है। तो वहाँ पर ये जनता की बातें सुनते हैं और जनता जो सेवाएं नहीं पाती है वहाँ पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स सेवाएं देते हैं। तो उससे हमारे जो है भारत के हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। उसकी वजह से जो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें बहुत खुशी हुई है। दूसरी बात, जो हमारे मनसुख मंडाविया
मंडाविया हैं जो हमारे हेल्थ के मिनिस्टर हैं, तो उनको बहुत खुशी मिली। उन्होंने बहुत ही अच्छे वर्णों में कहा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए जो आने वाले समय है वो बहुत ही खुशी के होने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी जानकारी आप सबके लिए, जितने भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके लिए है, क्योंकि विशेष जो वीडियो है दोस्तों ये इसीलिए बनाया गया है। और आप सबको पता होगा हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है बनारस में, हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। और वहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जितनी भी समस्याएं आई हैं और उन्होंने जितना भी योगदान दिया है वो सब इस वीडियो में आप सबको लिए बताया है, और यह कॉन्फ्रेंसी में बात भी हुई है उन। जैसे आप लोग देख पा रहे दोस्तों, अलग अलग स्टेट से अलग अलग जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को बुलाया गया था। जैसे यूपी से 150, बिहार से 50, कुछ ऐसे ही हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है स्टेट से बुलाया गया था, जिसमें अगर बात की जाए तो सबसे बढ़िया जो CHO के लिए बात कही गई है बिहार के लिए कही गई है, क्योंकि बिहार में सर्वश्रेष्ठ जो है सम्मान मिला है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, जो है बिहार के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को मिला है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बात दोस्तों ये है देखने को मिली है, और सभी के लिए यहाँ पे बहुत बहुत बधाई। और वहाँ पर जो बनारस में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए पुरस्कार भी मिले थे दोस्तों, बहुत ही शानदार, ये मैं आपको बताऊँगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगा वो ज़रूर बताऊँगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो अभी के लिए साथियों यही जानकारी मैं आप सबके लिए दे पाऊँगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी थी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को यही जानकारी मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही साथियों, नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट होगा आप सबको बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।